नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया। मैं हूं कृतिका आपके साथ, और आइए नजर डालते हैं देश विदेश से जुड़ी कुछ फटाफट खबरों पर। मोदी के गृह राज्य से आज चुनावी बिगुल फूकेगी कांग्रेस, हार्दिक पटेल थामेंगे राहुल का साथ। समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट में 14 मार्च को फैसला सुनाएगी विशेष अदालत, असीमानंद है मुख्य आरोपी। गुजरात में कांग्रेस को फिर लगा बड़ा झटका, 4 दिन में 3 विधायकों ने छोड़ी पार्टी। ममता ने दिया विवादित बयान, कहा एक और हमला कराने के लिए चुनावों की प्रक्रिया में हो रही है देरी। सऊदी अरब के विदेश राज्य मंत्री अब्दुल अल जुबैर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। अमेरिका ने कहा पाकिस्तान ने दिलाया भरोसा, भारत में हमला करने वाले आतंकियों पर करेंगे शिकंजा। इथियोपिया प्लेन क्रैश के बाद दुनिया भर में 117 बोइंग मैक्स 8 विमान की उड़ाने बंद, कंपनी के पास इसके 5,000 से ज्यादा ऑर्डर। आतंकवाद के खिलाफ ठोस कार्रवाई पर तुर्की के राष्ट्रपति और अबू धाबी के युवराज ने दिया भारत का साथ। पुलवामा हमले में आतंकियों की साजिश डिकोड करने के लिए FBI की मदद ले रही NIA। शी चिनफिंग ने इथियोपियाई एयरलाइंस के विमान की दुर्घटना पर जताया शोक। अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सार प्रदेश।